हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोथ। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं, थॉट्स क्या हैं और एक्शंस क्या हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, आपके पार्टनर के। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आंसर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। पहले देखेंगे आपके पर्सन के थॉट्स मेरे व्यूवर और इस कनेक्शन के लिए, मेरे व्यूवर के लिए और इस कनेक्शन के लिए इनके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स शो मी वेरी क्लियरली। ओके फूल, एंड यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल, होल्ड बैक। लेट्स सी, हम देखते हैं। ये पर्सन रिस्क टेकिंग तो करना चाहता है, लेकिन पास्ट में कोई इमेच्योरिटी रही है इस पर्सन में, एक इमेच्योर बिहेवियर रहा है, कोई साइकिल आप लोगों के बीच खत्म हुई है। एक टाइम की एनर्जी, उसके बाद यहाँ पर है एक एंडिंग की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इस पर्सन से मुंह मोड़ के बैठे हुए, मुझे इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। आप खुद को हील कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर के लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स इस कनेक्शन के लिए, आपके पार्टनर के थॉट्स इस कनेक्शन के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल फिर दोबारा आ गया, फूल फिर दोबारा आ गया। ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एंजाइटी से गुजर रहा है, एक परेशानी और एक डिप्रेशन से गुजर रहा है। ठीक है, फूल के साथ ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक बिगनिंग के लिए आना चाहता है। ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, एक कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है। आप नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं। ये जहाँ भी ये बहुत ज़्यादा अकेला है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ये चाहे तो ये पर्सन आपको खुद अप्रोच कर सकता है, लेकिन ये अप्रोच नहीं कर रहा है आपको। ठीक है, ये जो हो गया ये उसके ऊपर परेशान है, जो वक्त गुजर गया, जो जो रिश्ते में हो चुका है, ये उस बात को सोचे जा रहा है। ये चाहे तो इस लॉक की येरी इसी के पास है, ये चाहे ये दरवाज़ा खोल सकता है, मतलब कि ये पर्सन आपको टेक्स्ट कर सकता है अगर ये चाहे। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अभी फिलहाल एक सैड एनर्जी में और बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी में। ये पर्सन चाहता तो है बिना सोचे समझे एक एक लीप ऑफ फेथ लेना, एक आपकी तरफ एक्शन लेना, एक आपकी तरफ आना, इसका थॉट है। आप मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं अपने पेंटिकल्स को लेकर। आप अपनी ही एक आप इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस अपने पेंटिकल्स पे, क्योंकि ये क्वीन बहुत ज़्यादा एक जैसे एक बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वाली है, इस लेडी की एनर्जी, और ये अपने पेंटिकल को पकड़ी हुई है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी और पेंटिकल को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अपने पेंटिकल को आप सोचे जा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, बहुत ज़्यादा आपको कंपैटिबल पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन एक जैसे कंफ्यूज स्टेट है इस पर्सन का, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ क्या करना चाहिए। क्यों आया, टू ऑफ पेंटिकल, लवर 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 लवर, यहाँ पे ट्विस्ट है भाई, यहाँ पे ट्विस्ट है, क्लेरिफायर, टू ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है आपके अलावा किसी और को भी जगल कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता खराब हुआ है। टेन ऑफ सोर्ड, बिल्कुल ये रिश्ता खराब हुआ है, ये आपके साथ साथ किसी और को भी, किसी कोई और भी इसकी लाइफ में ऑप्शन थे जो आपके साथ उसको बैलेंस करना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी मांग रहे थे, आप यहाँ पर मैरिज चाह रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे, आप अदरवाइज इस पर्सन के साथ कुछ भी नहीं चाह रहे थे। इस पर्सन के पास चॉइसेस नहीं है, पर्सन आपके साथ किसी और को भी डील कर रहा था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क डेविलिश एनर्जी, एक मतलब कि ये एक बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, इस पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं। ठीक है, इस पर्सन की चॉइसेस ने इसको अकेला कर दिया, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी रही है, इसने इसको अकेला कर दिया। ठीक है, अकेला हो चुका है ये पर्सन, ये आपको जगल कर रहा था, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन एंड हुई है। यहाँ पर आप इस सिचुएशन से निकल जो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको एक एक वैल्यू नहीं दे रहा था, या तो वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, या वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, या जो आप चीज़ डिजर्व करते हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, लवर्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं। ठीक है, शायद इसने वो कहा हो कि आप लोग डिफरेंट हैं, एक दूसरे से आप लोग एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन राइट जो बात है, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं।
या अपनी चॉइसेस को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। बिल्कुल, यहाँ पर आप इस पर्सन को एक सोलमेट, अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता रहा ये पर्सन आपका सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है। आप इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा फेयर है आपको, बहुत ज्यादा फेयर है, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड करता है। बहुत ज्यादा फेयरफुल सिचुएशन बनी रहती है आप लोग की इस कनेक्शन में। हाई प्रिस्टेस साइलेंट है, साइलेंट है, बहुत ज्यादा चीजें हाइड है, साइलेंट है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे अक्सर हाइड करता रहता है। डिफेंसिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, एक ऐसी एनर्जी में पर्सन जैसे आपको बहुत कुछ क्लियर नहीं करता, ठीक है। आप भी डिफेंसिव लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा अपना वर्क, अपना टाइम, सब कुछ वर्क पुट ऑन किया, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको जगल किया, किसी और के साथ जगल किया, आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी और कमिटमेंट चाह रहे थे, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, भाई अब क्यों परेशान है ये पर्सन, ये क्या सोच रहा है इस चीज को लेकर। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल। सक्सेस चाह रहा है ये पर्सन, अट्रैक्टिव हो रहा है, बेहद अट्रैक्शन इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और आपको एक पावरफुल पर्सन एक एनर्जी में देख रहा है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से। ये पर्सन देख रहा है कि आप किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर्सन अकेला है, इसको पता है ये अकेला रह गया। ये पर्सन पास्ट में आपको आपके पार्टनर जगल कर रहे थे, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। इस पर्सन के पास अपनी जिंदगी में ऑप्शंस बहुत थे। ये गुड लुकिंग हो सकता है, ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये अपनी फिजिक्स का बहुत ध्यान रखता है, अगर मेल है तो बहुत जिमिंग करना, और गर्ल भी है तो, कोई लड़की भी है तो ये जिम वगैरह करना, खुद को फिट रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, गुड लुकिंग दिखना इसका एक शौक है, ठीक है। मतलब कि इस टाइप की एनर्जी है, सक्सेस चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में, लेकिन अब अकेला रह चुका है। ये क्या चाह रहा है यहाँ पर, ये क्या है, सिक्स ऑफ वैंड्स, वॉक अवे, आप जा रहे हैं इस कनेक्शन से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आपको इस पर्सन का सारा गेम समझ में आ चुका है, ये कैसे आपको जगल कर रहा था यहाँ पर, इसकी वजह से आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। ये आपके साथ क्या जगल कर रहा था, ये आपको क्यों वैल्यू नहीं दे रहा था, आपको सारी बात समझ में आ चुकी है। ये इस पर्सन को पता है आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं, और ये पर्सन यहाँ पर अभी भी आपको फेस नहीं कर रहा, फेस नहीं कर रहा, ये आपसे अभी भी डिफेंसिव है, फेस करने वाली एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। बिल्कुल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी यहाँ पर, कंप्लीट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको, आप इस पर्सन को चेस करते रहे, आपको समझ में ही नहीं आया इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके अलावा ये पर्सन क्या डील कर रहा है, ये सब चीज़ आपसे हिडन रही है। जब से आपको चीज़ें सब सही तरीके से समझ आई, उसके बाद से आपने इस पर्सन से सब कुछ खत्म कर लिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, प्लीज माय डिसेंस स्पीड गाइड। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर के बारे में, इस वक्त दिस टाइम, ये जो टाइम चल रहा है, जो टाइम पीरियड है, जिस वक्त मेरे व्यूवर रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त ये मेरे व्यूवर के बारे में क्या फील कर रहा है ये पर्सन, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर को लेकर, क्या फील कर रहा है। जस्टिस, टू ऑफ सोज, ब्लॉक हुए हैं आप इस पर्सन से, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप जस्टिस चाहते हैं, ये पर्सन भी अगर बहुत ज्यादा झूठ बोलता रहा है तो अब आपको सच बोलना चाहता है। ये किसी भी झूठ लेकर या कोई भी दो नंबर या नेगेटिविटी लेकर आपकी तरफ नहीं आना चाहता, ठीक है। बिल्कुल जस्टिस यही, इधर एक एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देना, कमिटमेंट देना, लेकिन यहाँ पर बहुत बार स्कैरी सिचुएशन है, बहुत चीजें हिडन है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को होप है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर अपनी बनाई हुई चीजों में स्टक हो चुका है, फाइव ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज्यादा ये पर्सन यहाँ पर मैस क्रिएट कर चुका है, साइलेंट है और क्लियर हो चुका है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती किसी की रही, किसकी रही है, फोर ऑफ सोर्ड के साथ आप अक्सर इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, इसके साथ स्टेबल होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आता, अपनी लाइफ में फिर केयर फ्री हो जाते हैं, आप सोच सोच के थक चुके हैं। देखें, वेटिंग एनर्जी बहुत रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रेयर करी है, वेट किया है यहाँ पर डिवाइन से, आपने बहुत यहाँ पर इस पर्सन को पाने के लिए हर दुआ हर प्रेयर करिए, ठीक है। बहुत वेटिंग एनर्जी रही है, आप सबसे ज्यादा आपको जो इस कनेक्शन में जिस चीज ने थकाया वो वेट था, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आई आपसे क्या चाहता है। ये साइकिल यहाँ पर एंड हो चुकी है, यहाँ पर तकरीबन कुछ एंड हो चुका है आप लोगों के बीच, यहाँ पर एक एंडिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में मुझे दिख रहा है,
स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की कमी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की कमी रही। आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हो सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए थी, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। ये टू ऑफ कप्स तक आप लोग सही से पहुँच ही नहीं सके, ठीक है। कोई होल्ड बैक करता रहा, कोई यहाँ पर बताता ना रहा, या तो आप इस पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, मैरिज चाहते थे, ये पर्सन अगर आपको एक फ्लर्ट फैन रिश्ता ये समझ चुका था, आप इसको इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक स्लीपलेस नाइट रही, ठीक है। एक स्लीपलेस नाइट, आपने बहुत परेशानी देखी, आप लोग की क्लियर कट मुझे कम्युनिकेशन नज़र नहीं होती भी नज़र आ रही इस पर्सन के साथ। कभी भी आप हमेशा वेट करते रहे एक स्टेबिलिटी वाली कम्युनिकेशन होगी, जिसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन आप लोग की देखी जा सके, वो हुई नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये एक्ट क्या कर रहा है इस कनेक्शन में, इसके एक्शन क्या है इस वक्त आपकी तरफ, फिर देखेंगे फ्यूचर में क्या एक्शन रहेंगे, ठीक है। फ्यूचर में ये पर्सन इस वक्त क्या एक्शन ले रहा है इस कनेक्शन के लिए, प्लीज माइंड जिसने स्पीड गेट मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर इस वक्त क्या एक्शन ले रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं इस कनेक्शन में, प्लीज माइंड जिसने स्पीड गेट मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं इस कनेक्शन में, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, इस पर्सन ने अब तक ब्लॉक किया हुआ है, स्टक है, कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये आपके पास स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ये सोच रहा है आपकी तरफ कोई कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाहिए, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, स्टॉक सर्च कर रहा है, न्यू बिगनिंग की होप कर रहा है, एक्शन कोई नहीं दिख रहा। अगर आप ब्लॉक हैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट से तो ब्लॉक ही है, सोचे जा रहा है स्टक है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। इस वक्त क्या एक्शन ले रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए, प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, होप कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, होप कर रहा है, साइलेंट है, बस होप है इस पर्सन को फ्यूचर में जाके कुछ चेंज होगा इस कनेक्शन में। क्या एक्ट कर रहा है ये पर्सन, कंफ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, डिवाइन से यहाँ पर मिरेकल की वेट कर रहा है, अकेले होकर बैठा हुआ है, आपको एडमायर करता है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस है इस पर्सन के पास, अभी भी ऑप्शंस हैं, आपके अलावा अगर आप साथ भी हैं तब भी इसके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ, ये पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, इसका सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पर ये डिवाइन जजमेंट कॉल कर रहा है, ये सोच रहा है कि डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन करे और आपके और इसकी तरफ कोई एक्शन भेजे, बहुत ज़्यादा खुद को अभी भी बंदा हुआ फील कर रहा है, आपको एक कंपेटेबल पार्टनर की तरह देख रहा है और बहुत ज़्यादा अकेला है इस कनेक्शन में, अब ये अपनी लाइफ में अकेला रह गया है, कोई भी नहीं है इसकी लाइफ में, ये जिसके साथ आगे बढ़ना चाहता था उस चीज़ को खो चुका है, लेकिन इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से आपको डील करा है, कभी मेच्योर नहीं हुआ, कोई मेच्योर एक्ट नहीं करा इस पर्सन ने, ठीक है। फिलहाल अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जू की तो सिचुएशन है, कुछ भी नहीं हो रहा आप लोग की कनेक्शन में, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कनेक्शन खत्म हो चुका है, आपकी सोच क्या है इस कनेक्शन को लेकर, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, फूल अपनी लाइफ में जो बिगनिंग कर रहे हैं, कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में ऑप्शन ओपन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी जिंदगी में लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नहीं चाहते कोई आपको जगल करे, कोई आप कोई आप इस पर्सन के लिए जो कुछ भी फील करते हैं होल्ड बैक कर रहे हैं, अभी भी फीलिंग्स हैं तभी आप होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर को देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में इस पर्सन से रिकन्साइलेशन तो करना चाहते हैं, बेहद अट्रैक्टिव है, लेकिन नहीं आ रहा तो आप कब तक इस पर्सन का इंतजार करेंगे, आपने बहुत इंतजार करा इसके साथ टीम वर्क करने के लिए, बहुत इंतजार करा इसके साथ काम करने के लिए, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ जैसे आपको समझता ही नहीं है, अभी तक नहीं समझ रहा है, ठीक है। मसला क्या चल रहा है हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या चल रही है, पर्सन आपकी तरफ क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा, क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर की तरफ, ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा, ऐसा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ऐसा क्या इशू है इस पर्सन की लाइफ में जो ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, ये हर चीज़ से भागता है, डिसीजन मेकिंग से भागता है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी नहीं आती, अगर इसने कभी भी करी है तो डिसीजन मेकिंग तो ये डिफेंसिव हो जाता है, जब भी डिसीजन मेकिंग करने की बात आती है ये वॉक अवे सीन पर होता है, ठीक है,
ये वॉक अवे सीन पे होता है और डेस्टिनी पे छोड़ देता है, मतलब कि गो गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाता है, डेस्टिनी पे छोड़ देता है, सोचता है अगर नसीब पे होगा तो मिल जाएगी और नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, ये स्नेकी बिहेवियर करता है। जब भी डिसीजन का टाइम आता है, कुछ डिसाइड करना होता है, कुछ यहाँ पर फैसला लेना होता है इस कनेक्शन के लिए आपके लिए, डिफेंसिव हो जाता है, वॉक अवे कर जाता है और डेस्टिनी पे छोड़ जाता है सारा सब कुछ। देखें, टेन ऑफ सूट, एंडिंग करना पसंद करता है, एक एंड कर देगा, लेकिन यहाँ पर मेहनत नहीं करेगा। ये चीज़ें बार बार, इसीलिए ये साइकिल आप लोगों के बीच बार बार घूमती है, बार बार आप लोग एक ही साइकिल में जाते हैं और एक ही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? पीस एंड सेंस स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ पे क्यों एक्शन नहीं ले रहे? देखिए, ये इस पर्सन के पास जितना आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं ना, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, इतना स्टेबल कुछ नहीं है। देखिए, ये आपको, ये वही बात है, वही जगलिंग एनर्जी है आपके लिए, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना किसी के साथ, मतलब कि देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको सिर्फ, आप सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं बुरे तरीके की, एक एंडिंग है, नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। ये पर्सन किसी के साथ भी सीरियस नहीं होता, एक हैंगिंग सिचुएशन में रहता है और हैंग भी रहती है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में। ठीक है, आप अकेले हो चुके हैं, बेहद अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ में, आप अकेले हो चुके हैं और कुछ नहीं है। पर्सन किसके साथ है? ये पर्सन सिंगल है या किसी और के साथ कनेक्टेड है? प्लीज माइंड सेंस स्पीड गाइड, ये इस वक्त मेरे व्यूवर के अलावा किसी और के साथ कनेक्टेड है या नहीं? ये पर्सन, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे व्यूवर के पार्टनर किसी और के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं या नहीं? बेहद हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, ये पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा। कितनी तकलीफ़ में आप, कितने पेन में आप, आपने खुद को अकेला कर लिया, आप बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रेस से गुजरे इस पर्सन की वजह से। ये सिंगल है या किसी और के साथ कनेक्टेड है? ये तो आपकी एनर्जी हर्मिट की इस बार वाली। देखें, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये लोगों के साथ बातें बातें करता रहता है, इसके लिए आम है। ठीक है, ये आपके लिए मुझे कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नॉर्मली बात करना, कनेक्टेड होना, लेकिन आप इसका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, आप इसका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप एक दूसरे से बिल्कुल नाराज़ हैं, आपने मुंह मोड़ लिया, इस पर्सन ने मुंह मोड़ लिया, कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन आप दोनों रिकनसाइलेशन चाहते हैं। बिल्कुल इस पर्सन के पास ऑप्शन है बातें बातें करना, ये करता रहता है, इसके पास अट्रैक्शन के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप ये बात छोड़ दें, इसके पास नहीं है बिल्कुल, इसके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये पर्सन आपको पसंद करता है। ठीक है, फेयरफुल सिचुएशन है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए लव फील करते हैं, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की बात आ चुकी है, एक पॉइंट पे, जैसे एक वो वक्त आ चुका है, या तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आए या तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ठीक है, मुझे ऐसी वाली सिचुएशन लग रही है, या तो यहाँ पर इस कनेक्शन को अब स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इतना टाइम हो चुका है, या तो इधर अब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, अब एक एंडिंग आ जानी चाहिए और उसको आप दोनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस पोजीशन पे आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बेहद हार्ट ब्रोकन है, सीरियस नहीं, ऊपर बहुत है कि मेच्योर एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी, चाहे कितना ही अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हो, उधर सारी ही इसके पास अकल है, लेकिन यहाँ इसके लिए, इस चीज़ के लिए कोई अकल नहीं है। चाहता तो है कम ऑर्डर की तरफ मूव करे, रिश्ता क्या चाह रहा है आपसे, चाह क्या रहा है आपसे, स्लोली बट श्योरली आप इसकी तरफ मूव करें, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, टोली बट छोड़ ली, आप इस पर्सन की तरफ मूव करें, आप कोई एक्ट करें, इसलिए वेट कर रही है। वही बात है, फिर अगर ये आप इसके पास जाएंगे तो इसकी अपनी मर्जी से ही रिश्ता चलाएगा, आपको आपको ये कुछ दे या ना दे, अगर ये खुद से आएगा तो कुछ डिसीजन मेकिंग कर कर आएगा, जो इससे करे नहीं जा रही। ठीक है, जो इस पर्सन से कुछ डिसीजन मेकिंग करे नहीं जा रही, यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो सकता है? प्लीज माइंड सेंस स्पीड गेट, इस कनेक्शन में फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस कनेक्शन का फ्यूचर आउटवर्क में क्या रहेगा? प्लीज माइंड सेंस स्पीड गेट, फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, फ्यूचर में इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहेगा, आपके कनेक्शन का फ्यूचर में आउटकम क्या रहेगा, फ्यूचर आउटकम, फ्यूचर आउटकम, कोल्ड डिटैच एनर्जी, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को जगल कर रहे हैं, मैंने दोनों की तरफ से एनर्जी निकाली है। फ्यूचर आउटकम, आप अकेले हैं, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है फिलहाल, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 1 मंथ तक तो और स्टॉकिंग सर्चिंग चलने वाली है, इट मीन्स जुलाई टू अगस्त सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर तक ये पर्सन ऐसा हो सकता है कोई एक्शन ले आपकी तरफ। ठीक है,
फ्यूचर आउटकम क्या रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको कंपैटिबल समझता है और आप इसको कंपैटिबल समझते हैं, ना आप कहीं और सेटिस्फाई हो पा रहे हैं ना ये पर्सन आपके अलावा कहीं और सेटिस्फाई हो पा रहा है, आप दोनों के लिए दोनों इस रिश्ते को जगल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सर्च और स्टॉक कर रहे हैं, फ्यूचर आउटकम क्या है प्लीज माई जिसने स्पीड गाइड इस कनेक्शन का, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, अपने इमोशंस आप एक दूसरे को नहीं दिखा रहे, आप भी नहीं दिखा रहे, अगर ये पर्सन नहीं दिखा रहा तो फ्यूचर आउटकम क्या है प्लीज माई जिसने स्पीड गाइड इस कनेक्शन का। ओके फ्यूचर आउटकम, ओके होप है इस कनेक्शन में, बिगनिंग हो सकती है न्यू, ठीक है, ये पर्सन और आप लोग का कनेक्शन हील हो रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और होप रख रहे हैं फ्यूचर में एक रीबर्थ होगा इस कनेक्शन में, दोनों वेटिंग एनर्जी पे हैं, दोनों साइलेंटली एक दूसरे का वेट कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों का ड्रीम ये है इधर टेन ऑफ पेंटिकल का, ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते में कोई बैलेंस आए, ठीक है, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं आप लोग इस कनेक्शन में, टू ऑफ कप्स, इस रिश्ते में यहाँ पर फ्यूचर आउटकम पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सितंबर तक कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, यहाँ पर फिलहाल इस वक्त तो आप दोनों ही साइलेंट हैं, अकेले हैं और अपनी अपनी जगह एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, एक दूसरे के ईगो खत्म होने का वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो पर्सन को ईगो खत्म करनी चाहिए आपके पार्टनर को लेकर, आपके पर्सन को ईगो खत्म करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए जब हील हो जाएंगे एक सेम पेज पे आ जाएंगे, अब आप दोनों एक दूसरे के ये अपने नेगेटिव वो ग्रजेस रिमूव कर देंगे अपने दिल से, तो ये रिश्ता एक सक्सेसफुल रिश्ते की तरफ जाएगा, ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग खत्म होगी, जजमेंट यहाँ पर जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड एक न्यू साइकिल बिगिन हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग आ सकती है, ठीक है, एक न्यू साइकिल बिगिन हो सकती है, सक्सेस आ सकती है, विक्ट्री आ सकती है, फिर आप लोग ये पर्सन अगर इस पर्सन ने आपको कभी पास में चेज नहीं करा या पर्सन ने कभी आपको कुछ आपके कभी आपको समझाया नहीं है तो ये पर्सन आपको चेज करेगा, आपके पीछे आएगा ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन कुछ टाइम में जैसा लग रहा है आपको आने वाले वक्त में ये आपको चाहेगा कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से इसको रखना है, ठीक है, आप लोग हील हो रहे हैं इस रिश्ते के में, आप लोगों ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन यहाँ पर हीलिंग चल रही है, आप लोग बैलेंस हो रहे हैं अपनी अपनी जगह, फिर ये रिश्ता बैलेंस होगा, साइलेंट है दोनों अपनी अपनी जगह साइलेंट हुए हैं, अकेले हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं वो ईगो खत्म करेगा, वो सोच रहा है वो ईगो खत्म करेगा, लेकिन कोई ईगो खत्म नहीं कर रहा, आपके लिए एडवाइस क्या है, द ऑरेकल गिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई गिफ्ट है, यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको यहाँ पर नॉर्मल रहना है, अब मिरर मोटिवेट, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ मोटिव है, कोई यहाँ पर जो भी हो रहा है ठीक है उस चीज़ के होने का कोई मोटिव है, देखें शाइनिंग थ्रू, ये यहाँ पर जो शाइनिंग है उस चीज़ के आगे देखें, सींग बियॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर जो हो रहा है उसके बियॉन्ड जाकर देखें, बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, मैं कहना चाहती हूँ कुछ भी चल रहा है पॉजिटिव रहें क्योंकि पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, एक्सपोज एंड रिवील, कुछ एक्सपोज होगा आपके सामने, रिवील होगा, ये सिचुएशन डिवाइन आपको कह रही है, ये आपके फेवर में वर्क कर रही है, आपको यहाँ पर वरी करने की जरूरत नहीं, कॉल ऑफ द म्यूजिक, आप अपनी लाइफ में जॉयफुल एनर्जी में रहे, म्यूजिक से आप दोनों का कोई कनेक्शन है, ये पर्सन आपसे म्यूजिक से कनेक्ट होता है, ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पर मुझे एक चीज लग रही है द लैंड बिटवीन, देखिए आप लोग अलग 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 रास्ते पे हैं लेकिन ये रास्ते स्लोली बट श्योरली एक हो रहा है, यहाँ से भी एक जगह जाके मिल रहा है और यहाँ से भी एक जगह जाके मिल रही है, टेम्पल है, कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है मुझे, स्पिरिचुअली ये कनेक्शन अलाइन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर है अटल, ठीक है, कुछ आप लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर डिवाइन कोई मिरेकल करने वाला है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आप लोग अभी ज़रूर अलहदा हैं लेकिन आगे के रास्ते आप लोग के एक ही हैं, आप लोग कुछ टाइम बाद जाके एक दूसरे के साथ जाके आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कोई क्योंकि न्यू साइकिल बिगिन हो रही है यहाँ पर, ये न्यू साइकिल बिगिन होने में पास्ट की साइकिल को ख़त्म होना, पास्ट के ग्रजेस, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट का आपकी जो दिल में इस पर्सन के लिए है, जो भी दिल में जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज करना लाजिम है, आप लोग फिलहाल के लिए देखा जाए तो आप लोग अलग हैं लेकिन स्पिरिचुअली आप लोग एक ही हैं, आगे का पाथ आप लोग के सेम है, ठीक है, मैं सीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिले आपको तो आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू।